जय जगन्नाथ। आवर चैनल नेम इज हाईटेक सर्वे। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रिम्बल M3 टोटल सेशन के बारे में। ओके, तो ये जो ऑल द पार्ट्स ऑफ ये जो टोटल सेशन का है, तो आज हम लोग देखेंगे। तो इसका भी और एक नाम है जो कि ETS, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। ओके, तो देखिए, ये जो कोई भी एक नया इंस्ट्रूमेंट के बारे में, पहले नया इंस्ट्रूमेंट को रनिंग करने से पहले उसी का जो सारा पार्ट्स है, पार्ट्स के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। अगर ये पार्ट्स हम लोग नहीं जानेंगे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ये एक पार्ट्स है, ये एक पार्ट्स है, ये क्या क्या काम करता है, अगर ये पार्ट्स के बारे में अगर हम लोग को थोरली नहीं पता होगा, तो क्या हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे सही से। ओके, तो इसीलिए देखिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑल द पार्ट्स ऑफ ट्रिम्बल M3 टोटल सेशन। ओके, तो ये है ट्रिम्बल M3 टोटल सेशन, ये होता है एंड्रॉइड वाला। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसका ये डिस्प्ले है, तो ये एंड्रॉइड वाला। तो ऐसे हम लोग डिजिटल ये इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसे हम लोग आज देखेंगे पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, ये हुआ है एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट, ये इसको बोला जाता है हैंडल, ये हैंडल बोला जाता है, हैंडल को कैरी करने के लिए यूज होता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक स्टाइलस पेन दिया है। ये पेन का काम होता है, ये स्क्रीन टच काम करता है, तो हम लोग ऐसे स्क्रीन में इसको यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक साइटिंग कोलिमीटर। ओके, साइटिंग कोलिमीटर, ये साइटिंग कोलिमीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये साइटिंग कोलिमीटर के थ्रू ना लाइन ऑफ साइट, मतलब दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो दूर में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इसके सीधे में रख के हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। ओके, तो सीधे रखने से ये जो टेलीस्कोप बोला जाता है इसको, ये टेलीस्कोप को अंदर दिखाई देता है। देन उसके बाद हम लोग क्रॉस एयर, इसके अंदर क्रॉस एयर है, क्रॉस एयर को डाल के हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, तो इसको बोला जाता है साइटिंग कोलिमीटर। ओके, तो इसका काम है लाइन ऑफ साइट के लिए यूज होता है। देन उसके बाद ओवरऑल ये जो घूम रहा है इसको बोला जाता है टेलीस्कोप। ओके, तो ये जो टेलीस्कोप का काम क्या होता है ना, टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसमें जो प्रिज्म रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है, यूज करके मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, तो प्रिज्म रिफ्लेक्टर को ये टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग देखते हैं। देन उसके बाद ये टेलीस्कोप का फोकसिंग रिंग है। ओके, देखिए, ये जो बड़ा एक रिंग है घूम रहा है, ये टेलीस्कोप का फोकसिंग रिंग है। ये रिंग से क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा ये जो ब्लैक कलर का एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, ग्रिप वाला, इसको बोला जाता है टेलीस्कोप आईपीस। इसका काम क्या होता है ना, ये टेलीस्कोप के अंदर एक क्रॉस हेयर रहता है, हॉरिजेंटली वर्टिकली, क्रॉस हेयर को फोकस और ब्लर करने के लिए या जूम, मतलब सही से क्लियर करके देखने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद इसको बोला जाता है वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू, वर्टिकली, मतलब इसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे, ये जो टेलीस्कोप पूरा फाइनली धीरे धीरे ऐसे ये मूव करता है। तो देखिए, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, अभी टेलीस्कोप नीचे जा रहा है, सही से देखिए, टेलीस्कोप नीचे जा रहा है, ऐसे हम लोग घुमाएंगे तो ये नीचे जाएगा। एक्चुअली इसका काम क्या है, ये किस काम के लिए यूज होता है ना, अगर दूर में कुछ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो ये जो लेंस क्या करता है, अगर इसको थोड़ा हाथ में हम लोग खाली हाथ में अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा ना, ये एडजस्ट सही से नहीं हो पाएगा। ओके, अगर दूर में कुछ ऑब्जेक्ट है तो इसको थोड़ा सा स्मॉल सा एडजस्ट करने के लिए ये जो फाइन मोशन, वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू, इसके हम लोग यूज करते हैं। देन उसके बाद ये है हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन स्क्रू, ये हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन स्क्रू, हॉरिजॉन्टली इंस्ट्रूमेंट ऐसे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली सरफेस में घूमता है। देखिए, इसको मैं घुमा रही हूँ, ऐसे घुमाने के बाद देखिए ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट घुमा रहा है, अभी घूम रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन स्क्रू, ये स्मॉल सा हॉरिजॉन्टली सेटअप करने के लिए, हॉरिजॉन्टली अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए रीडिंग के टाइम में, प्रिज्म के ऊपर क्रॉस हेयर डालने में, तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद देखिए, ये है बैटरी कवर, यहाँ पे देखिए, ये है एक लॉक, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम लोग घुमाएंगे, घुमाने के बाद यहाँ पे देखिए एक बैटरी लगा हुआ है,
ऐसे देखिए ये जो बैटरी है, ये बैटरी ऐसे इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है, ऐसे लगाया जाता है। देन उसके बाद ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये है बैटरी। तो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बैटरी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए USB पोर्ट, डाटा आउटपुट करने के लिए, डाटा निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए USB पोर्ट, और ये एक पोर्ट है, ये मशीन से डायरेक्ट कंप्यूटर को मतलब डाटा अगर ये आउटपुट करनी है तो इसके थ्रू होता है। और ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के थ्रू भी हम लोग लगा के डाटा आउटपुट कर सकते हैं, डाटा कॉपी कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए ये है ऑब्जेक्टिव ग्लास, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव ग्लास है ये। देन उसके बाद ये यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली प्लेन में इसको सर्कुलर बबुल बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंट में एक है सर्कुलर बबुल, ये जो बबुल अभी दिखाई दे रहा है ये अभी सेंटर में नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को सेंटरिंग डबलिंग करना पड़ता है, तो इसके जरिए हम लोग सेंटरिंग डबलिंग करते हैं, बबुल को अंदर मतलब पूरा बीच में हम लोग ला के करते हैं। और ये छोटा सा एक डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले जस्ट ओनली दिखाई देता है रीडिंग कुछ। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है डिस्प्ले, ऑपरेशनल पैनल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटा छोटा सब की है लिखा भी है, इसके थ्रू हम लोग ऑपरेट करते हैं, ये डिस्प्ले ये दिखाई देता है डिस्प्ले के थ्रू। ओके, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको बोला जाता है लेबलिंग फुट स्क्रू, ये इसको बोला जाता है लेबलिंग फुट स्क्रू, लेबलिंग फुट स्क्रू इसको बोला जाता है। ये तीन लेबलिंग फुट स्क्रू है, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 लेबलिंग फुट स्क्रू है, ये हम लोग फुट स्क्रू के जरिए मशीन को हम लोग लेबल करते हैं। देन यहाँ पे देखिए ये जो सर्कुलर बबुल है, एक देखिए ये जो बबुल, ये बबुल का हम लोग क्या करते हैं ना, ये बबुल का हम लोग बीच में लाते हैं, पूरा अंदर बीच को लाके हम लोग क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट को लेबल करते हैं। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल पार्ट्स था, ये पार्ट्स अगर हम लोग को सही से पता होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग आराम से हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे, तो इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। देन उसके बाद यहाँ पे एक लॉक लिखा है, देखिए यहाँ पे लॉक लिखा है, यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइबज अडाप्टर बोला जाता है, ट्राइबज बोला जाता है। इसका काम क्या होता है ना, इसको खोलने से मशीन यहाँ से ये नीचे से अलग हो जाता है, और लेबलिंग हेड अलग हो जाएगा, मशीन अलग हो जाएगा। तो इसको कब किया जाता है ना, मानिए कि आप लोग के पास 2 इंस्ट्रूमेंट है, ये अभी ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग करने के टाइम में ये थोड़ा ख़राब हो गया, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, और एक अगर मशीन होता है तो हम लोग के पास उसी मशीन को यहाँ से खोल के, ये मशीन को भी खोल के रिप्लेस हम लोग कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसका काम ये है। देन उसके बाद इसको बोला जाता है मशीन का बेस प्लेट, ये जो पार्ट्स है इसको बोला जाता है मशीन का बेस प्लेट। ओके, थैंक यू। तो देखिए और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस मार्क है एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क को मेजरमेंट करना हम लोग को पड़ेगा, कैसे ना, जो ग्राउंड में एक जिसके जिसी पॉइंट के ऊपर हम लोग सेंटरिंग लेबलिंग करेंगे उसी पॉइंट से टेप के जरिया ये जो क्रॉस मार्क है, ये जो हॉरिजॉन्टली मार्क है, ये मार्क तक हम लोग टेप के जरिए मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद जितना भी हाइट होगा ये जो मशीन के अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क डालने से बाद ही हम लोग को अदर जगह मतलब अदर एरिया में कुछ हम लोग प्रिज्म रिफ्लेक्टर यूज करके अगर मेजरमेंट लेंगे तो उसी जगह का वर्टिकल हाइट हम लोग को पता चलता है। तो ये चीज़ एक्चुअली ये काम होता है ये जो प्लस मार्क का।